हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हमारी इजी इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और देखते ही देखते हमने सक्सेसफुली 6 लेक्चर इस सीरीज से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, कमेंट देते रहिए, तो हम इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर खत्म कर पाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो चेंज होता है वो किन किन वजह से यहाँ पर चेंज होता है। तो आज हम देखेंगे इसमें चेंज कि किसमें कितना प्राइस में। देखो, अभी तो हमें ये पता था कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड आपकी चेंज होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्राइस के चेंज होने पर कितनी डिमांड चेंज होती है, वो हम इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। क्या बोलते हैं? मांग की लोच। तो देखते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये एक रेशियो दिखाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। ये रेशियो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज आया है उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे, फिर ओन प्राइस में जो भी चेंज आया उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा वही होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई डी, कैपिटल ई एंड स्मॉल डी। कैपिटल ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी एंड स्मॉल डी स्टैंड फॉर डिमांड। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमारा और है, वो क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी, पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू में प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब ये डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिमांड। डिमांड में जो भी चेंज हुई है, यहां पर पहले 100 यूनिट थी, अब 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो डिमांड में जो भी आपका चेंज आएगा। नेक्स्ट डेल्टा पी चेंज इन ओन प्राइस, प्राइस में जो भी चेंज था, पहले 5 रुपए प्राइस था, अब 6 रुपए प्राइस है, तो चेंज कितने का आया? 1 रुपए का, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, पी स्टैंड फॉर इनिशियल प्राइस एंड क्यू स्टैंड फॉर इनिशियल क्वांटिटी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू में पी डिवाइड बाय क्यू। दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्या, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे इससे सॉल्व हो जाते हैं। और इसको ये हमारा एक मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में एक और बार देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वेरियस डिग्री हैं। डिग्री जैसे जो आपके आंसर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको किस डिग्री में कैटेगराइज करना चाहोगे। 1 से ज्यादा आया तो क्या, 1 से कम आया तो क्या, 1 के बराबर आया तो क्या, इनफाइनाइट आंसर आया तो क्या, और 0 आंसर आया तो क्या, क्या डिग्री आप यहाँ पर इसको मेंशन करना चाहोगे। तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि अगर डिमांड मान लो एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है तो कौन सी डिग्री है? परफेक्ट इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, तो ऐसे ऑप्शन भी वहां पर आ जाते हैं। तो हमें इसके बारे में, सारी डिग्रीज के बारे में पता होना चाहिए जिससे हम यहाँ पे इजिली अपने आंसर को मार्क कर सके और नेगेटिव मार्किंग से बच सके। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो यहाँ पे डिमांड जो आपकी इलास्टिसिटी आती है इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड के चेंज को डिवाइड कर दो प्राइस के चेंज से। कैसे निकालते हैं अभी? तो जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो क्या होती है, उसका ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इधर ध्यान से, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज आवर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब देखो यहां पर ये क्यू, क्यू वन एंड क्यू टू। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां पे क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज निकालू, क्वांटिटी डिमांड में कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, क्यू से क्यू वन, क्यू वन से क्यू टू, कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है, तो इस चेंज को मान लूंगा मैं एक्स। बट प्राइस, प्राइस पहले भी यही था, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो प्राइस सब जगह सेम ही है, तो उसका चेंज निकालेंगे तो चेंज कैसा आएगा? 0। जब चेंज 0 आएगा बड़ी, तो आंसर कैसा हो जाएगा? समथिंग अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट।
तो ये आपका बच्चा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहला केस यहाँ से सॉल्व हो गया कि पहला जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वो कैसा बनेगा, इनफाइनाइट यहाँ पर बनेगा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, सॉरी किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। क्वांटिटी P, P1 एंड P2। अब अगर बच्चा मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि क्वांटिटी में चेंज देखेंगे फिर प्राइस में चेंज देखेंगे, क्वांटिटी में चेंज P पे भी वही है, P1 पे भी वही है, P2 पे भी वही है, तो क्वांटिटी में चेंज जीरो आएगा बट प्राइस में कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। तो प्राइस में चेंज हमने क्या मान लिया, एक्स, जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, हमेशा जीरो। दैट्स व्हाई परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो डिग्री होती है वो हमेशा कैसी होती है, जीरो होती है। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक, ED इज इक्वल टू वन, जैसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है बच्चों कि प्राइस के फॉल होने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम आए, प्राइस के फॉल होने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम आता है तो उस केस में डिमांड हमेशा वन के बराबर होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, एंड इन हिंदी जिसको हम बोलते हैं इकाई लोच। ओके देखो यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस पहले 5 था, चार चार क्वांटिटी थी तो 20 रुपए आपके खर्च हो रहे थे यहाँ पर। अब प्राइस फॉल हो गया 4, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस के फॉल होने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम आ रहा है, प्राइस के फॉल होने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम आ रहा है तो उस केस में डिमांड कर्व कैसा बनता है, ईडी आपका 1 के बराबर होता है, और डिमांड कर्व बनता भी कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बराबर होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ED इज इक्वल टू वन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ED मोर देन वन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो ED मोर देन वन कब होगा बच्चों, देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, इस चीज को दोबारा देखोगे, क्वांटिटी अपॉन प्राइस, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होना चाहिए और प्राइस में कम चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में चेंज ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर में चेंज कम होगा तो आंसर हमेशा वन से ज्यादा आएगा। क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर में चेंज ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में चेंज कम होना चाहिए। ओके तो कैसा आएगा आंसर, हमेशा वन से ज्यादा आएगा। देखिए इधर कैसे, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, P1 Q1। तो ग्राफ में देख के पता चल रहा होगा कि प्राइस में कितना कम चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, जहां पे आपकी जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, वन से ज्यादा होती है। ईडी इज मोर देन वन, ईडी इज मोर देन वन, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक में क्या होगा, इन इलास्टिक यानी कि ईडी लेस देन वन, आंसर वन से कम कब आना चाहिए, न्यूमरेटर में चेंज कम होना चाहिए, ज्यादा, सर जी आप बोलो, न्यूमरेटर में चेंज, हाँ सही बोल रहे हो, कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में चेंज, हाँ ज्यादा, ठीक है समझ में आ गया। चलो यहां पर तो देखो भाई, ये है डिमांड कर्व, ओके P1 एंड Q1। तो देखो प्राइस में कितना ज्यादा चेंज है, प्राइस में कितना ज्यादा चेंज है और क्वांटिटी में कितना कम चेंज है, यहाँ पे देखो प्राइस में कितना कम चेंज था और क्वांटिटी में कितना ज्यादा चेंज था। गॉट इट, सबको समझ में आ गया। तो ये थे बच्चा हमारे आज के लेक्चर्स का, जो आपका लेक्चर का मटेरियल था। आज हमने दो लेक्चर्स में दो टॉपिक कवर करे, एक तो हमने इसके फॉर्मूले देखे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, दूसरा हमने इसकी डिग्री देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके मेथड्स, इसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।